हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम हर रात रात को 10 बजे हम पिछले 3-3.5 सालों से अप्रोक्सीमेटली हम हर रोज हर रात 10 बजे सवाल डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चंस डे वाइज डिवाइड कर दिए गए थे पिछले कुछ, जैसे लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि डे वाइज करते हैं। तो इकोनॉमी का डे थर्सडे को रहता है, तो थर्सडे आज बारी है इकोनॉमी के 5 सवाल डिस्कस करने के। प्रीलिम्स में ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं, आप देख भी सकते हैं। प्रीवियस बहुत से जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रीवियस जो प्लेलिस्ट हैं, उनको जाके क्विकली रैपिडली आप थोड़ा रैप अप कर सकते हैं एंड अपने जो प्रीलिम्स के बेस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5 सवाल डिस्कस करते हैं आज इकोनॉमी के। सबसे पहला सवाल दोस्तों, ये बेस्ड है एमएसपी पर। तो एमएसपी बहुत ज्यादा एक कुछ खास ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी चाहता है फोकस करना बार बार यहाँ पे। लेकिन जो सिंपल सा जो क्वेश्चन है हमारे पास, यही पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन से आप देखें, जो यहाँ पे कौन से जो क्रॉप्स आपके सामने हैं कि वीट, पैडी, शुगर या कॉटन, इनमें से कौन से क्रॉप्स पर एमएसपी दिया जाता है अभी। ठीक है, वीट पर, जो पैडी, शुगर एंड कॉटन, एलिमिनेशन का भी आप यहाँ रूल जो अपना सकते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि इस पर तो डेफिनेटली होता है, ये ऑप्शन में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अटेम्प्ट करना हो वीट एंड पैडी, तो मुझे डेफिनेटली नजर आ रहे हैं कि ये इन पर तो सरकार एमएसपी घोषित करती है एंड अकॉर्डिंगली एमएसपी दिए जाते हैं। तो वीट एंड पैडी 1 और 2 तो होना चाहिए, तो वो या तो ऑप्शन ए है, सी है या डी है। ठीक है, तो अब क्या वो सिर्फ अकेली सी है? देन कॉटन को लेके कितने लोग श्योर हैं? ठीक है, कॉटन की बात करें अगर हम, तो कॉटन पर भी एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4, अब यहां पर है जो ऑप्शन 1, 2 और 4 तो एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि शुगर पर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यस दैट इज करेक्ट कि शुगर पर भी हमारा एमएसपी दिया जाता है। 2018 में ही ये नोटिफिकेशन आया था एंड सरकार ने कहा था कि अब जैसे अगर शुगर केन की बात करें दोस्तों, कि शुगर केन पर भी एमएसपी दिया जाता है एंड रादर उसको अगर देखें तो एफआरपी कहा जाता है। ठीक है, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस। तो वहां पे एफआरपी देने के लिए जो किसको यहां पर हमने वचनबद्ध किया कि कौन देगा एफआरपी, सरकार ने कहा कि मिल्स, जो शुगर मिल्स हैं वो एफआरपी चुकाएंगी, लेकिन कितना चुकाएंगी वो सरकार डिसाइड करती है सीएसीपी के नियमों के द्वारा। ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करता है एंड जो शुगर केन जब मिल्स एक्वायर करती हैं शुगर मिल्स, तो वो उनको बताती है किसानों को कि कम से कम आपको इस पर इतना जो दाम मिलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन अब शुगर मिल्स हैं वो कह रही हैं कि हमारे शुगर तो बिकती नहीं इतनी महंगी। अब शुगर महंगी बिकती नहीं है जब, तो क्या होगा वहां पर? शुगर मिल्स अपने जो शुगर केन फार्मर्स को पैसा नहीं चुका पाएंगी एंड अकॉर्डिंगली शुगर केन फार्मर्स का जो बकाया, जिसको एरियर्स जो भी कहा जाता है, तो एरियर्स, जो एरियर्स बढ़ते जाते हैं शुगर केन के जो फार्मर्स हैं वो शुगर मिल्स में जाकर अपना अब शुगर केन गन्ना सप्लाई करना बंद कर देते हैं एंड इनफैक्ट इतना भी हो सकता है कि गन्ना उगाना बंद कर दें। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने 2018 में डिसाइड किया कि अब जो वक्त आ गया है कि हम शुगर को भी एमएसपी घोषित करें कि कम से कम इतने रुपए किलो तो शुगर बिकेगी, उसके ऊपर ही बिकेगी, क्योंकि शुगर अगर मिल्स पैसा नहीं कमाएंगी तो अपने शुगर केन फार्मर्स को पैसा कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो रिसेंटली सरकार ने इस पर जो 2850 रुपए क्विंटल थी इसको बढ़ाकर 3100 रुपए क्विंटल कर दिया, यहां पे देख भी सकते हैं पीछे। ठीक है, 3100 रुपए क्विंटल कर दिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जो दिमाग में रखनी है कि शुगर पर भी एमएसपी मिलता है हमें एंड देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी। शुगर की जो यहां पर बात हो रही है एमएसपी की, ये रिकमेंड करने के लिए नीति आयोग ने यहां पर रिकमेंडेशन शुरू की थी, जो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं। आप मुझे बताइए जो नीति ने रिपोर्ट कब दी थी, कॉमेंट्स में मुझे बताइए। ओके, देन दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जैसे बात हो रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे बहुत बार बात की है। जो डीएनडी एक इनिशिएटिव है, सबसे पहले दिन ही सर ने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो सर काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं अभी जिनके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स पे, एकदम सडनली अगर हम लेवल रेज कर देते हैं तो बहुत चिंता हो जाती है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं सर, बहुत बेसिक से जा रहे हैं एंड इनफैक्ट बेसिक के साथ साथ बहुत ज्यादा होलिस्टिक तरीके से भी करवा रहे हैं सर। हर रोज आपको जो डेली न्यूज डिस्कशन चल रही है 4 बजे, अब तो लाइव सेशन होता है जहां पर आकर आप सर से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर आपको आंसर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो यहां पे आंसर करते हैं। यहां पर बताइए कि अगर हम देखें कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, इट इज इम्पोज्ड ऑन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। क्या ये बात सही है? देन उसके बाद ये जो कंट्रीज हैं, जो क्या इनको पूरी इजाजत है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए? तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर इज
टू ओनली, सिर्फ टू ही करेक्ट है, वन करेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही फाइन डिफरेंस है किसमें, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज। दोस्तों काउंटरवेलिंग ड्यूटीज कब लगाई जाती हैं, जो हमारी स्टेटमेंट वन हमें कह रही है। स्टेटमेंट वन में अगर आप देखें तो स्टेटमेंट वन हमें कह रही है कि अगर जिस कंट्री से निकल कर हमारा जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में पहुंचा, अगर उस कंट्री में ही, अगर दोस्तों उस कंट्री में ही उसको सब्सिडाइज किया जा रहा था एंड सब्सिडी देकर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ताकि जहां पर वो इंपोर्ट हो वहां पर और सस्ता रहे वो एंड और बिके, ठीक है। लेकिन अगर वो और सस्ता रहेगा, जिस जगह पर जाएगा वहां के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ज्यादा ही सस्ता आ रहा है, सब्सिडी मिलकर आ रहा है। तो इसीलिए उस सब्सिडी को काउंटर करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको सीबीडी कहा जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर अपनी डोमेस्टिक अगर मार्केट से सस्ता हमारी मार्केट में बेच रहे हैं तो दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। फाइन डिफरेंस रहता है सब्सिडीज का। तो इसे सब्सिडीज वाले अगर आपको पॉइंट नजर आ रहा है, दैट इज काउंटर विलिंग ड्यूटी। तो राइट आंसर इज ओनली सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। एंड बाकी यहां पर वही एक्सप्लेन करने की ट्राई की, कैसे यूएस अभी सोच रहा है कि इंडिया के खिलाफ भी तो यहां पर सीबीडी लगाई जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। ओके, तो ये सर ने डीएनडी जो पहला ही लेक्चर था 1st of March को काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप चाहें तो और भी देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट जो हमारा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस पर हमारा डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सिंपली AIIB सर्च कीजिए आपको एंड स्लीपी क्लासेस लिखकर, यू विल गेट द वीडियो। इट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो एंड बहुत अब 2 साल हो गए, 3 साल अप्रोक्सीमेटली जो हमारे जो क्वेश्चंस प्री में पूछे जा रहे हैं आंसर हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वास्ट, इट्स अ इन डेप्थ काइंड ऑफ अ वीडियो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहां पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो देखने जरूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर AIIB की बात करें, इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक, ठीक है। क्या ये मल्टीलैटरल मतलब कि क्या इसमें बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हैं डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम इन एशिया एंड बियॉन्ड। ओके, यहां पर ऑप्शन में हमें 2-3 बातें देखनी जरूरी है कि एक तो मल्टीलैटरल बैंक है पहली बात, जी सर है, देन एशिया एंड बियॉन्ड, क्या वो एशिया में ही सीमित है या बियॉन्ड, हमें ये बात पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन पे वो कह रहे हैं रिसेंटली इसने IAP बनाया, जो कि जिस कारण न्यूज में भी था, जिस कारण ये सवाल भी बना, तो इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल जो कि वर्ल्ड बैंक IMF के साथ कोऑर्डिनेट करेगा एशियन इकोनॉमी को लेकर, ठीक है, कि कैसे वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट पड़ता है एशियन इकोनॉमी पर। तो दोस्तों ये ऑप्शंस करंट अफेयर की बात भी हो रही है, स्टैटिक की बात भी हो रही है, दोनों ही चीजों को कवर करता है। अगेन 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 DND कवर कर रहे हैं, तो ये चीजें कवर होनी शुरू हो गई हैं साथ में। तो इसीलिए जो देखिए हिडन जो GS की बात करते हैं सर, हिडन GS कवर हो रहा है। ओके, तो राइट आंसर बताइए यहां पर। राइट आंसर इज यहां पर कि अगर आप देखें जो सेकंड हमारी जहां बात लिखी है IAP, वो उन्होंने इंटरनल ही एक बॉडी बनाई है, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो ओनली राइट आंसर इज कि एशियन बियॉन्ड की जो चीजों पर हमारे जो काम कर रहा है ये एशियन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें शुरुआत में अगर हम देखें तो 57 मेंबर्स थे, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स, बढ़ते हुए अभी 100 प्लस हो गए हैं एंड बीजिंग में हेडक्वार्टर्स हैं। UPSC सवाल पूछ चुका है कि AIIB कैसे याद किया था हमने कि बी से एंड होता है, तो हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, ठीक है। ओके, दूसरा है हमारे पास NDB, एक और बैंक भी होता है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक भी कहते थे उसको। ब्रिक्स बैंक किससे एंड हो रहा था, एस से, शंघाई में हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक का शंघाई हेडक्वार्टर, AIIB का बीजिंग। क्या मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है गलत बता रहा हूं, प्लीज जाके चेक कीजिए, वीडियोस पक्का देखिएगा, होमवर्क बना लीजिए कि AIIB स्लीपी क्लासेस, NDB स्लीपी क्लासेस करेंगे, आपको आराम से डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे मेंबरशिप है, चाइना की मेंबरशिप एक्सेट्रा सवाल पूछे जाते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपके इजीली मार्क हो जाएंगे यहां पर। ओके, देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इट इज अबाउट अ कर्व। यहां पर आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, आपने इन कंडीशंस को पढ़ना है एंड देन आपको बताना है कौन से कर्व की बात हो रही है। ओके, ठीक है, पहली जो यहां पर कह रहे हैं कि इट प्लॉट्स इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ इक्वल क्रेडिट एंड डिफरेंट मैच्योरिटीज, ठीक है, कि अगर मैं देखूं मैच्योरिटीज मतलब डिफरेंट मैच्योरिटी मतलब टाइम पीरियड, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, अगर मैं 1 लाख का उधार लेना चाहता हूं, ठीक है, 1 लाख का उधार मुझे 1 साल में कितना इंटरेस्ट चुकाना होगा, 5 साल में कितना, 10 साल में कितना चुकाना होगा, ठीक है। ओके, देन 3 key types इंक्लूड नॉर्मल इन्वर्टेड फ्लैट, दैट्स इट दोस्तों, यहीं से आंसर आना चाहिए आपका कि नॉर्मल टाइप का कर्व होता है या इन्वर्टेड या फ्लैट, ठीक है दोस्तों। एंड देन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब है कि लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स हैव हायर यील्ड्स देन शॉर्ट टर्म वंस, एंड देन नॉर्मल कर्व्स पॉइंट टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स पॉइंट टू इकोनॉमिक रिसेशन, कि या तो वो डाउनवर्ड शेपिंग है या अपवर्ड शेपिंग है या नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्लैट्स कर्व है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको इतना ही अगर हिंट मिल गया, आप प्रीक्योर हमारा सुनते आ रहे हैं पहले से, प्रीक्योर में मैंने बहुत बड़ा डिस्कस किया, प्रीक्योर वापस वीकेंड पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो
इसका आंसर आपको आराम से आना चाहिए। कितने लोगों का इसका आंसर आता है, तो प्लीज अगर आप साथ साथ में इसको देख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यील्ड कर्व। यील्ड कर्व को मैंने आपको जैसे रिसेंटली भी मैंने आपको बात बताई थी अपनी वीडियोस में, यील्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें हम, पांच साल में अगर मैं पैसा लगाऊंगा इतना कितना रिटर्न, दस साल में कितना, एक साल में कितना, ठीक है। तो ये यील्ड कर्व कहलाता है, ठीक है, यील्ड कर्व। एंड यहां पर अगर आपके जो इसको मैं डायग्राम भी दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये देखिए तीन तरह के, नॉर्मल जैसे अपवर्ड स्लोपिंग की अगर लॉन्ग टर्म में जाऊंगा मैं तो लॉन्ग टर्म में मुझे ज्यादा यील्ड मिलेगी, शॉर्ट टर्म में अगर तो रिलेटिवली कम। देख पा रहे हैं आप यहां पर कि किस तरह से अगर देखें तो जो इनिशियली अगर यील्ड कम है बाद में जाके बढ़ जाती है। एंड देन फ्लैट कर्व है, अगर फ्लैट कर्व का मतलब क्या हुआ कि फ्लैट कर्व ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स कि यील्ड कांस्टेंट है, चाहे आप लॉन्ग टर्म में पैसे लगाएं चाहे शॉर्ट टर्म में। एंड उसके बाद अगर आप देखें जो बॉन्ड ड्यूरेशन, अगर जो आज अगर जो हाई है देन कम्स डाउन, दैट मींस कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएंगे तो पैसा डूब सकता है, रादर, या फिर रिटर्न लो है क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस लो है। इसीलिए अब जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व होते हैं उसका मतलब है कि हम फ्यूचर में सोच रहे हैं शायद रिसेशन आने वाला है, लॉन्ग टर्म में लोग पैसा लगाना नहीं चाहते। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, इसको बहुत तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वन ऑफ द इजिएस्ट वेज टू रिमेंबर। ओके देन दोस्तों पांचवें सवाल पर चलते हैं। एंड देन यहां पर है ये 2011 का सवाल। देखो यहां पर मैं चाह रहा हूं सवाल के थ्रू दिखाना कि ऑप्शंस कितनी ज्यादा करीब और क्लोज ऑप्शंस रहती हैं। आपको हर एक ऑप्शन सही लगती है, आपको लगता है सर ये भी आंसर हो सकता है ये भी, लेकिन यूपीएससी क्या आंसर सही बताता है वो देखते हैं, कैसे वहां तक पहुंच भी सकते हैं हम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फिस्कल स्टिमुलस को कौन सी टर्म एक्सप्लेन करती है। पहला, ये मैसिव इंस्ट्रूमेंट है बाय गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज कॉज बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सरकार चाह रही है बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ करना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करेगी, क्या ये कहलाता है फिस्कल स्टिमुलस। दूसरा, इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कि सरकार बहुत सारा पैसा सब्सिडी देकर चला रही है, अफर्मेटिव एक्शन कर रही है। तीसरा, गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, ठीक है, ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़े एंड इन्फ्लेशन कंटेन हो जाए, क्या उसको स्टिमुलस कहते हैं कि सरकार चाह रही है कि बहुत सारा लोन्स दिया जाए एग्रीकल्चर को और जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह टाइप चीजों को, ताकि फूड प्रोडक्शन भी हो एंड इन्फ्लेशन भी कम हो जाए, इसको कहा जाता है। या फिर ये एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन है जो सरकार करती है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बहुत ही करीब लगती हैं ये ऑप्शंस, लेकिन ये इतनी करीब भी नहीं है दोस्तों। जो ऑप्शन जो डी है हटा सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, वो स्टिमुलस की बात नहीं है। स्टिमुलस का मतलब है कि सरकार बहुत सारा पैसा लगा रही है ताकि रुकी हुई इकॉनमी चल पड़े, ठीक है। ओके, तो आप कहेंगे सर ए और सी भी बहुत करीब है, देखो लेकिन ए और सी नैरो हैं, दे आर नैरो इन द अप्रोच। एक बात करता है सिर्फ अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग की, एक बात करता है सिर्फ एग्रीकल्चर की, लेकिन स्टिमुलस होता है इट इज वाइडर इन अप्रोच। स्टिमुलस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होता है, स्टिमुलस एग्रीकल्चर की बात भी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करेगा, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने की बात भी करेगा, बहुत सारी चीजों पर बात करेगा, डिमांड भी इंक्रीज करेगा एंड सप्लाई बढ़ाने पर भी काम करेगा। इसलिए स्टिमुलस इज अ वाइडर थिंग, दैट मींस ऑप्शन बी बिकम्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑलराइट दोस्तों, तो बस ऐसे ही कुछ यहां पर सवाल हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे अकॉर्डिंगली कि कैसे सरकारें बहुत सारा काम करती हैं एंड जो सरकारें काम करती हैं एंड इन टर्न किस तरह से डिमांड सप्लाई बढ़ाई जाती है। दोस्तों इसके सिवा भी बहुत से इनिशिएटिव चल रहे हैं, सुबह 2 मिनट आ रहा है एंड देन 2 मिनट में भी आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, प्री क्योर जो वीकेंड पर आ जाएगा, जो DND जो हमारा डेली न्यूज डिस्कशन, बिल्कुल प्राइम एक इंपॉर्टेंट एक चीज बन गई है। इट्स अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट, हर रोज आपको बहुत सारा कंटेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से मिल रहा है। एंड दोस्तों इसके बियॉन्ड सेकेंड बैच भी है जो GS का शुरू हो जाएगा बहुत जल्द 2022 के लिए एंड उसके अनाउंसमेंट हो जाएंगे 15 मार्च को। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आप 2021 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2021 के अटेम्प्ट के लिए प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स भी अभी बिल्कुल चल रहा है तेजी से एंड देन सेकेंडली उसमें आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टैटिक का कंपोनेंट भी उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो बस तैयारी करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं एंड देन उसके बाद कोई ऐसे अगर बोले ना कि अच्छा आप बताइए तैयारी कैसी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ मैंने जान लगाई है एंड मैंने एफर्ट किया है, होगा या नहीं होगा गॉड नोज, ठीक है, हम एफर्ट कर रहे हैं, बिना एफर्ट किए विल नेवर इवन आस्क गॉड कि हमारी मदद करे, एफर्ट करेंगे उसके बाद विल प्रे, ठीक है, कि कैसा अच्छा हमारा कोई रिजल्ट आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे एंड मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।